ना ही मैं तुझे चिंता दूंगी और ना ही शेखर को ऐसे मरने दूंगी। छोड़ मुझे। देखता हूँ तुम दोनों को मुझसे नहीं बचा सकता। डॉक्टर! क्या तुम? ओह माय गॉड! ये मास्क कैसे निकला? निकला नहीं है, निकाला गया। किसी ने निकाला है? मुझे इस पर पहले ही डाउट था कि ये भागकर शेखर को मारने का कोशिश करेगी। तभी मैं इसको देखता हुआ इधर आया तो देखा कि वहां से मास्क निकालकर उसका गला दबा रही थी। अशोक, ये आदमी झूठ बोल रहा है। चुप! झूठी धोखेबाज। सबको मालूम है कि खूनी कौन है। शोम साहब, ये बहुत डेंजरस औरत है। मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, इसने मेरे हाथ भी काट लिया और खुद चिलम चिली करने लगी। लेकिन इसको नहीं मालूम है कि इसकी यह हरकत का अंजाम क्या होगा। शोक, देखो चाहे तो तुम मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मेरी बात का यकीन कर लो, मैंने शेखर को नहीं मारा। शेखर को इससे चुप, ज्यादा नाटक नहीं। शोक, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक बार अगर मैंने शेखर को मारने की कोशिश की है तो दोबारा मेरे मारने की क्या वजह हो सकती है? अगर तूने अब कुछ भी किया तो मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। पूरा खानदान। मेरी जुबान पर तो बेबसी का ताला है, पर मेरी आंखों में जो सच्चाई है उसे पढ़ लो। टेक हर अवे। शो, तुम्हारी भोली सूरत के पीछे इतनी गंदी सीरत है, ये मैं नहीं जानता था। शायद मैं अंधा था इसलिए तुम्हारी असलियत नहीं देख सका। देखा क्यों? तुम अंधे थे नहीं, अंधे हो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें इतनी गंभीर हालत में कहां ले जा रहे हैं? खून भी बहुत बह रहा है और जान भी जा सकती है। I'm sorry, डॉक्टर। अब इसका बाकी का इलाज लॉकअप में ही होगा। इसको अगर यहां रखा गया तो बाकी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसने भागकर शेखर को मारने की कोशिश की है। पैसा किसी इंसान को इतना हैवान बना देता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज मैं तुम्हें बतुआ देती हूँ। अब अपनी सारी जिंदगी तुम जेल में बिताना, वक्त अच्छा कटेगा। ऑल द बेस्ट। निस्ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि तुम जैसे लोगों को पछताने का मौका भी नहीं मिलता। सबके सामने सच एक ना एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। बर्बादी की राख और बीते दिन की याद के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझी? या बेटा, आओ, ऐसी औरत के मुंह नहीं लगना है। मिस्टर पांडे, अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हैं तो उसे हॉस्पिटल में मत छोड़िए, उस पर हमला हो सकता है, समझे आप?
सामने इनको धमकी देती है। चल ऐसे चल। चले। तुमने सुना नहीं रुक्मिणी, सबके सामने वो हमें धमकी देकर गई है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं, कौन पता नहीं कैसा। हम अपने बेटे को घर लेकर जाएंगे। वहां तो चल रही थी ना, वहां तू है। अब तुझे मैं इधर फंसा चुका हूं। मैं चाहूं तो अभी एक मिनट में आज ही तेरा एनकाउंटर कर सकता हूं, लेकिन नहीं। चल, इधर ही तड़पा तड़पा के मारूंगा। जो भी कदम की प्लानिंग के बीच में आएगा ना, उसका यही हाल होगा। ए, ऐसे क्या घूर रही मेरे को? नजर नीचे कर नजरे। नजर हमेशा पापियों और गुनेगारों की झुकती, और कदम तेरी भी ऐसी झुकेगी ना कि तू। ए, चुप! बहुत चर्बी चल गई है तेरी। हाँ, अभी तुझे मजा चखाता हूं मैं। ए बाटो, बाट कर इधर। जैसी माँ को उठा के ला। नहीं कदम, तुझे बदला लेना है तो मुझसे प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना। अच्छा चल, माफी मांग, मांग मेरे से माफी। चल मांग मेरे से माफी। मुझे माफ कर दो। हाँ, जोर से बोलना, जोर से। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सुनाई दिया, ऐसा बोल के मेरे कान को मजा आ जाए सुन के। मुझे मुझे माफ कर दो। इधर क्या देख रही है? इसको क्या अपना आईना समझा है तूने, जो बाद में मेकअप करेगी इसे देख के? चल चल, इस पे अपना सर रख के माफी मांग। ऐसे क्या देख रही है? जितना बोल रहा हूं उतना कर, वरना भेजता हूं अभी हवलदार को। गुड। अब आया ना मेरे कान को सुन के मजा, और आंखों को देख के भी। गुड। अब तू एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी यही औकात है, तू ऐसे ही जी। हो सकता है मैं तुझे जल्दी रिहा करवा दूं, लेकिन थोड़ा भी शाणापट्टी करने की कोशिश की ना तो जिंदगी भर इधर ही रहेगी तू, समझी? शेखर, 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 तुम यूं ही बेहोश रहना, इसमें तो अपुन का फायदा ही है। सुन रहे हो ना? ओ, आह, तुम तो सुन ही नहीं सकते, फिर तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी जिया को अपुन ने जेल में सड़ा दिया है, और तुम्हारे बूढ़े बाप से परमिशन लेकर तुम्हारी जगह अपुन ऑफिस में जाएगा और तुम्हारी सारी जायदाद हड़प लेगा। सुन रहे हो? तुम तो सुन भी नहीं सकते शेखर, हाँ? फिर तुम अपनी जिया और अपनी जायदाद को कैसे बचाओगे? कुछ नहीं कर सकते शेखर, तुम कुछ नहीं,
सांप का काटा तो बच सकता है, लेकिन निस्ना का काटा बच नहीं सकता और ना ही मर सकता है। वो तो जिंदगी और मौत के बीच में लटकता रहेगा तुम्हारी तरह। और शेखर, गलती से अगर तुम होश में भी आ गए तो मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें ऐसे लटकाऊंगी कि तुम्हें मांगने से मौत भी नहीं मिलेगी। समझे तुम? बाबा, आप? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, वो मैं यहाँ शेखर को देखने आई थी। उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? नर्स है ना? खैर, लेकिन ये बात नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता हूँ, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जिस दिन तुम्हारी शादी तय हुई है ना, उसी वक्त तुम्हारी शादी कर दी जाए। लेकिन शेखर की इस हालत में? शेखर की जो हालत है ना, काफी हद तक उसका जिम्मेदार शेखर खुद है। उसके लिए तुम अपनी खुशियों की कुर्बानी क्यों दे रही हो? और बेटा, शेखर की देखभाल करने के लिए हम सब हैं ना? बेटा, शुभ काम एक बार तय हो जाए ना, तो उसे टालना अशुभ होता है। शादी को सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए, तुम अपनी तैयारियां शुरू करो, उस पर ध्यान दो। सात दिन? सिर्फ 7 दिन में आप उनको सब लपेटना पड़ेगा? कैसे? हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। टेंशन मत ले, यही है तेरी मंजिल, इधर ही रहना है तुझे। यहां तुझे एक नया नाम और नई जिंदगी भी मिलेगी। नाउ एंजॉय योरसेल्फ। चलता हूं, अलविदा। आखिरी बार अपना नाम भी सुन ले, जिया पांडे। अच्छा लगा। ले जाओ इसे। हे भगवान, मेरा जितना चाहे कड़ा इम्तिहान ले ले, पर इन पापियों से मेरी माँ और मेरे परिवार की रक्षा कर। यहाँ के नियम कायदे का ख्याल रखने का, अगर उसे अनदेखा करोगी तो तकलीफ में आ जाओगी। सुबह उठने का 6 बजे घंटी बजेगी, टॉयलेट के लिए बाहर जाने का, और नहाना धोना पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता मिलेगा। ठीक 7:30 बजे मुझे यहीं मिलने का। क्या क्या समझी? तुम क्या देख रहे हो? अपना अपना काम करो।
तेरा। क्यों, क्या पूछा, क्या नाम है तेरा? जिया। ये झूठ बोल रही है, इसका नाम निस्ना है। निस्ना? नहीं, मैं खाली नहीं बोलती है, सब काम के लिए इधर हाँ ही बोलने का, नहीं नहीं बोलने का। चल बोला, समझ में नहीं आ रहा, हाँ बोलने का। चल हाँ बोल, बोल हाँ। जब तक इधर रहने का, सब काम के लिए हाँ ही बोलने का, नहीं नहीं बोलने का। क्या समझी? बोला, बोल, बोला, बोला, बोला। छीनो हथियार, छीनो। कमजोर इंसान को हर कोई दबाना चाहता है, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। आज के बाद हर बात का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इस दुनिया को बता दूंगी कि औरत को इतना मत कुचलो कि वो बर्बादी बनकर इस दुनिया पर छा जाए। तुम लोगों ने भी गुनाह किए होंगे, लेकिन तुम लोगों में से कई औरतें ऐसी होंगी जिन्होंने ये गुनाह अपनी मजबूरी में किए हैं। क्योंकि औरत तो सिर्फ प्यार बांटने के लिए, जन्म देने के लिए होती है, ना कि जिंदगी लेने के लिए। लेकिन शायद यहाँ रहते रहते तुम लोगों के अंदर की औरत मर चुकी है, तुम्हारे अंदर की ममता सूख गई है, अपने बच्चों अपने रिश्तों को तुम लोग भूल चुके हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें औरत कहलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि औरत एक मीठे झरने की तरह होती है जिसके ममता के अमृत से इंसानियत पनपती है, पलती है। और जो इंसानियत की दुश्मन हो उसे औरत कहलाने का कोई हक नहीं है, समझे आप लोग, कोई हक नहीं है। तेरे लिए आई थी, पर जो ये सब देखा ना, देखने के बाद अब उनको लगता नहीं कि तेरे को अपुन की जरूरत पड़ेगी। तू तो साली अपना फैसला कर चुकी। हाँ हाँ, करना पड़ा मुझे। अब मैं अपने परिवार के दुश्मनों को बेनकाब करूंगी, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी। एड़ी, तू तो पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी है ना? तब मैंने भागने की कोशिश नहीं की थी, अपने परिवार से मिलने की कोशिश की थी, इससे पहले कि अदालत मुझे मुजरिम करार दे। मुझे यहां से निकलकर अपने दुश्मनों को यहां तक पहुंचाना है, और मैं ये हर हाल में करूंगी। बहुत जुल्म अन्याय सह लिए मैंने, अब डरना मुझे नहीं है, उन लोगों को है जिन्होंने ये गुनाह किए हैं। अब जिया डरेगी नहीं, सबको बेनकाब करेगी, सच्चाई सबके सामने लाएगी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये शम्भुके।